नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सुजीत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने यहां पे ड्रॉ किया एक 23 फीट बाय 36 फीट का बढ़िया सा 2 BHK हाउस प्लान, नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है। तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं 23 बाय 36 ही हमारी प्लान साइज़ है, प्लॉट साइज नहीं। उत्तर दक्षिण प्लान की जो लंबाई है वो 36 फीट है और पूर्व पश्चिम लंबाई यहाँ पे 23 फीट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रंट में हमने बढ़िया सा एक कॉर्नर पे छोटा सा बरामदा दिया है और साथ में ये बाहर वाली स्टेयरकेस भी, मतलब अगर फर्स्ट फ्लोर कोई किराए पे देना चाहता है तो ये बाहर के बाहर जो किराएदार है ऊपर जा सकता है, यहाँ से स्टेयरकेस के लिए अप रहेगा। सीढ़ी की साइज़ रखी है हमने 5 फीट। तो 14 फीट 4 इंच जो इसकी लंबाई सीढ़ी की और 5 फीट जो है इसकी फ्लाइट की चौड़ाई, तो ये 2.5 फीट हर एक फ्लाइट की चौड़ाई रहेगी। सीढ़ी के लिए यहाँ पे एक दरवाज़ा दे देंगे 3 फीट का। बरामदा की साइज़ रखी है 7 फीट 5 इंच लंबाई और 5 फीट 9 इंच जो है इसकी चौड़ाई, तो 5 फीट 9 इंच ये इस डायरेक्शन में और 7 फीट 5 इंच ये ऐसे। सामने है मेन एंट्रेंस डोर, मेन दरवाज़ा लगेगा यहाँ पे 3.5 फीट का। जैसे अंदर आते सामने ये बड़ा सा लिविंग एरिया प्लान किया है या फिर हॉल यूनिट, लिविंग या फिर हॉल या फिर ड्राइंग स्पेस भी बोल सकते हो। 11 फीट बाय 16 फीट 9 इंच इसकी साइज है, तो 11 फीट बाय 16 फीट 9 इंच। 11 फीट जो है ये इस दिशा में दीवारों के अंदर अंदर चौड़ाई रहेगी और 16 फीट 9 इंच जो ऐसे। राइट साइड में यहाँ पे है एक बेडरूम, इसको हम बेडरूम 1 डिनोट करेंगे। साइज इसकी है 10 फीट बाय 11 फीट 6 इंच, तो 10 फीट ये इस दिशा में और 11 फीट 6 इंच जो है वो इस दिशा में। उसके बाद है ये कॉमन टॉयलेट बात, कंबाइंड कॉमन टॉयलेट बात है, 7 फीट बाय 4 फीट 9 इंच, तो ये 7 फीट ऐसे। इसके लिए एक दरवाज़ा है 2.5 फीट का D2। बाहर यहाँ पे वॉश बेसिन के लिए स्पेस है 2 फीट 6 इंच बाय 1.5 फीट, वॉश बेसिन 2 फीट 6 इंच बाय 1.5 फीट। ये यहाँ पे एक आर्च ओपनिंग दी है 4 फीट चौड़ी। यहाँ पे अग्निकोण पे किचन यूनिट प्लान किया है, रसोई घर। किचन की साइज रखी है 7 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 6 इंच, तो ये 7 फीट 6 इंच इस दिशा में रहेगा, 11 फीट 6 इंच जो है ये इस दिशा में। उसके बाद यहाँ पे एक यूटिलिटी कम वॉशिंग एरिया 3 फीट बाय 7 फीट साइज का, उसके लिए एक दरवाज़ा है 2.5 फीट का, 3 फीट इसकी चौड़ाई है। उसके बाद यहाँ पे है ये बेडरूम नंबर 2। बेडरूम 2 की साइज़ है 10 फीट बाय 11 फीट 6 इंच, दोनों बेडरूम की साइज सेम रखें। ये बेडरूम 2 का यहाँ पे दरवाज़ा आएगा ऐसे, दरवाजे की साइज़ 3 फीट रहेगी D1। तो इस तरीके से ये ओवरऑल प्लानिंग की है। इसमें ब्रिकवर्क की मोटाई 9 इंच है, ये एक्सटर्नल ब्रिकवर्क बाहर वाला ब्रिकवर्क, और इंटरनल ब्रिकवर्क यानी अंदर वाला जो मोटाई है वो 6 इंच है। इसका टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया है 828 स्क्वायर फीट और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम निकालते हैं तो 828 स्क्वायर फीट गुना 1200 रुपये, ये एकदम बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग मिल गई अपने 828 गुना 1200, 993600, मतलब एक अप्रोक्सीमेट 10 लाख हम इसको पकड़ के चल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो मटेरियल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। और इसमें जो डोर और विंडो ओपनिंग का शेड्यूल है, मेन एंट्रेंस डोर 3 फीट 6 इंच बाय
7 फीट, उसके बाद बेडरूम का दरवाज़ा 3 फीट बाय 7 फीट, टॉयलेट बाथ और यूटिलिटी स्पेस का जो दरवाज़ा है वो 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। विंडो ओपनिंग्स यहाँ पे दिखाते हैं, बेडरूम के लिए ये विंडो ओपनिंग W1, कॉमन टॉयलेट बाथ के लिए आपके वेंटिलेशन ये भी W1, यहाँ पे ये W2, ये W और ये W लिविंग एरिया के लिए। सबसे बड़ी विंडो ओपनिंग है 6 फीट बाय 4 फीट और 3 फीट, 3 फीट जो हाइट है वो किचन की जो विंडो रहेगी उसकी रहेगी। बेडरूम की जो विंडो ओपनिंग है वो 5 फीट बाय 4 फीट, उसके बाद W2 है 4 फीट बाय 4 फीट और वेंटिलेशन जो है वो 2 फीट बाय 3 फीट स्टैंडर्ड साइज का। तो इस तरीके से ओवरऑल एक प्लानिंग और ये इसका डोर विंडो ओपनिंग का शेड्यूल है। तो दोस्तों आपको प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारा जो दूसरा चैनल है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और एक बढ़िया हाउस प्लान के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।